जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार में बीपीएससी की तरफ से अगर देखा जाए तो ये दूसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बीपीएससी टीआरई सेकंड फेज में अगर देखा जाए तो आपके सवाल बहुत आ रहे हैं, उन सवालों पे ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसे कि एक छात्र का सवाल यहाँ पे आ रहा था कि सर सेंटर का कोड दिया गया है, हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ जाएगा। पहला सवाल तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपका एग्जामिनेशन जो सेंटर कोड दिया जा रहा है यहाँ पे, इस सेंटर कोड के अनुसार आपको जिले में ही आपका सेंटर होगा। पहली चीज, 5 दिसंबर से आप लोग का जो है एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कितने तारीख से? 5 दिसंबर से, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा उस दिन आपको क्या करना होगा, आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे जाके अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन होना है। डैशबोर्ड पे लॉगिन होंगे तो वहीं पे आपका सेंटर का जो है एड्रेस मेंशन किया जाएगा, जैसे कि पिछली बार किया गया था। जो लोग नए इस बार फॉर्म भर रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा, डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन कीजिएगा तो आपको वहां पे आपका सेंटर अवेलेबल दिखेगा। कब से? तो 5 दिसंबर से, ये एक जानकारी होगी। एक छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर हमारा जो है, जैसे कि हमने फॉर्म भरा था कल्याण विभाग के लिए, अब देखिएगा सवाल यहाँ पे जो आ रहे हैं उसका एक न्यूज़ अपडेट भी आया है, मैं आपको दिखला भी देता हूँ यहाँ से, है ना। तो ये एक न्यूज़ अपडेट आया है, उनका कहना था, उसी के ऊपर भी मैं वीडियो सोचा कि बना दूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का फायदा हो जाए, कि बीपीएससी में जैसे कि इन्होंने फॉर्म भरा था कल्याण विभाग को लेकर, और इन्होंने कल्याण विभाग में फॉर्म भरा था कंप्यूटर टीचर को लेकर। अब यहाँ पे जब वो फॉर्म का एडमिट कार्ड अपना जब निकालने जा रहे हैं तो उनका एडमिट कार्ड जो आया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखला देता हूँ, ये देखिएगा, ये इनका एडमिट कार्ड आया हुआ था। तो इनसे यहाँ पे पूछा, चूंकि क्या है कि यहाँ पे इनसे पूछा गया कि आप सब्जेक्ट पहले चूज कीजिए, है ना। तो इन्होंने सब्जेक्ट चूज किया अपना, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडी को लेकर ही चूज करना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आप 6 to 8 के जब शिक्षक बनते हैं, पहले एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप 6 to 8 के शिक्षक बनते हैं उसमें आप बनते हैं सोशल स्टडी के या तो शिक्षक, या तो मैथ एंड साइंस के टीचर बनते हैं। किसके? मैथ और साइंस के। या तो बनते हैं आप भाषा से संबंधित शिक्षक। अब आपका कंप्यूटर जो आपका टीचर का वैकेंसी है, मैं इनके लिए बता दूं, और आप जितने भी छात्र हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं रिलेटेड स्टूडेंट क्यों ना ही यहां पे, तो उन वो भी थोड़ा सुन लेंगे यहां पे। अगर आप यहां पे भाषा से संबंधित शिक्षक बनते हैं तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? हिंदी, इंग्लिश, है ना, या उर्दू या फिर संस्कृत, ये 4 होने चाहिए। इनमें से जिस जो भी सब्जेक्ट के लिए आप शिक्षक बनेंगे वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने अप्लाई किया होगा तो। दूसरा यहां पे होता है साइंस और मैथ का, तो कंप्यूटर और ना ही कॉमर्स आपके मैथ और साइंस से संबंधित सब विषय है, नहीं है ना, तो इसमें भी नहीं आएगा। अब जितने बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो किस में आ गए? तो सोशल स्टडी में, यानी कि सोशल स्टडी में आपका ये पेपर आ गया। जैसे ही कंप्यूटर या कॉमर्स के लिए आप लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई किए होंगे, कॉमर्स वाले या कंप्यूटर वाले छात्र, तो वहां पे आपसे जो है ना पहले सब्जेक्ट का पूछेगा ही पूछेगा। तो यहां से भी इनसे पूछा, तो पूछा तो पहले कॉलम में इनको जो है ना उन 4 ऑप्शन में से, जी हाँ, कौन कौन? राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल, इन 4 पेपर में से एक पेपर यहां पे सिलेक्ट करना है। दूसरा पेपर उनको सिलेक्ट करना है यहां पे, दूसरे में या तो इतिहास या तो एक भूगोल होना चाहिए। अगर यहां पे आपने हिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया तो यहां पे ज्योग्राफी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे अगर आपने इकोनॉमी सिलेक्ट कर लिया तो यहां पे हिस्ट्री या ज्योग्राफी सिलेक्ट करना होगा। तो यही चीजें यहां से इनको करवाया गया। तो ये सभी छात्र जो सोशल स्टडी के लिए अप्लाई किए हुए हैं, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वहां पे देखिएगा 6 to 8 के लिए जब अप्लाई कर रहे थे तो 8 तरह के सब्जेक्ट थे वहां पे, जब आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया था तो अब वह 8 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, जी हाँ, आप लोगों का बाकी मैथ साइंस और भाषा वाले पेपर छोड़ दिया जाए तो सभी को सोशल स्टडी में रख दिया गया है। अब आते हैं इसके न्यूज़ अपडेट पे, देखिए क्या कहा गया यहाँ पे। ये देखिए मैंने चीजें समझा दी आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषय से ही पूछे जाएंगे प्रश्न, कि छात्रों के सवाल हैं तो यहाँ बता दें कि मध्य विद्यालय के सामाजिक विज्ञान विषय में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 विषय में से 2 विषय का करना होगा चयन आपको। मैंने आपको बता दिया कि जो भी सब्जेक्ट मैथ साइंस या आपके भाषा वाले पेपर को छोड़कर, है ना, लैंग्वेज वाले पेपर को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एसएसटी के अंदर आएंगे। अब दूसरे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर सामाजिक विज्ञान विषय अभ्यर्थी जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषयों से पूछे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए उनको दिए गए 4 विषयों में से 2 विषय का चयन करना होगा, और अभ्यर्थी की पात्रता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कौन कह रहा है? तो ये बीपीएससी के अधिकारी कह रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपके शिक्षक पात्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप कभी भी सीटेट पेपर देते हैं तो आपका सीटेट जो होता है आपसे पूछा जाता है कि बाद में कि आपने इस विषय से दिया है तो यही आपका अप्लाई कर सकते हैं, नहीं ना, सीटेट 1 दे चाहे सीटेट पेपर 2 दे, तो यहाँ भी उसी चीज को रखा गया है ना। और आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है। 2 अभ्यर्थी को यहाँ पे देखिएगा, जो मामले की शिकायत को लेकर 2 अभ्यर्थी बीपीएससी के वरीय अधिकारी से मिले जाकर, यह कहकर समझाया गया वहां से कि इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि विदित हो कि बीपीएससी के द्वारा मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 का चयन करें जिसमें कि 1 के अनुरूप में इतिहास या भूगोल हो।
तो मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पे 6 to 8 में देखिएगा तो 8 या 9 विषय ऐसे हैं, है ना, ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको अपने फॉर्म भरते समय चूज़ किया होगा। बहुत सारे लोगों ने जैसे कि कॉमर्स चूज़ किया होगा, होम साइंस भी चूज़ किया होगा वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, तो उनको भी यहाँ पे चिंता करने की बात नहीं है। आपको कोई एक पेपर जो है ना इन चारों में से रखना है और एक पेपर आपको इतिहास या भूगोल में से रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ से बताई भी गई है और इसके बाद ही अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनका दूसरे विषय जैसे कि दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान है, मैंने बोला ना कि और भी सब्जेक्ट है वहाँ पे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे दूसरे विषय कैसे भरे क्योंकि इन विषयों में इन विषयों के डैशबोर्ड के लॉगिन होने पर विकल्प ही नहीं दिया गया है यहाँ पे। कोई तो इससे अपनी पात्रता से खतरे, आगे आने वाले खतरे से डर रहा है, कोई तो छात्र यहाँ पे डर रहे हैं और परीक्षा में दिए जाने वाले प्रश्न से वो चिंतित है, ठीक है। हालांकि बीपीएससी के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि पात्रता से इसका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी डर तो बना हुआ है। इस चीज को लेकर यहाँ पे बीपीएससी के अधिकारियों को थोड़ा सा यहाँ पे विचार करके बता देना चाहिए कि आपके प्रश्न किस तरह के आएंगे, कहाँ से आएंगे, या तो एक कोई डेमो जो है क्वेश्चन बुकलेट दे देना चाहिए कि इस तरह के एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलहाल यहाँ से ये जानकारी है। अब एक सवाल और उठ रहा था छात्रों के मन में, है ना, मैंने दो चीज़ें आपको बता दी कि इस तरह से आपको जो है ना नियुक्ति को लेकर, बीपीएससी में नियुक्ति को लेकर जो है ना आपके अंक में, है ना, क्वेश्चन जो भी आएंगे तो उसमें ये बदलाव देखने को मिला है। अब छात्र यहाँ पर एक चीज़ को लेकर और परेशान है सर कि फोटो जो है अपना डाल रहे हैं और फेज होकर किसी और का फोटो आ जा रहा है बिना, बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो कि यहाँ पर फोटो अपना डाले ही नहीं है और पहले से ही सिलेक्टेड यहाँ पे जो है किसी लड़की का या अन्य लड़के का जो है फेज होकर आ जा रहा है। तो ये जो बीपीएससी का ग्लिच है इसको सुधार करने का मौका दिया जाए। जितने भी छात्र ऐसे कर रहे हैं उनको परेशानी हो रही है सर अभी भी, है ना, जितने भी डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना किसी और का फोटो फेज होकर यहाँ पे अपलोड हो गया है, तो फोटो और सिग्नेचर का अपडेट जो है एडिट करने का जरूर दिया जाए ताकि इसमें सुधार हो सके। अब एक सवाल और उठ रहा था यहाँ पे, जी हाँ, एक सवाल और उठ रहा था कि जो 17 तारीख है, देखिए अब 17 तारीख का जो संबंध है ना वो किसी बीपीएससी से तो नहीं है क्योंकि बीपीएससी ने अपना 17 तारीख का डेट हटा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो कि 15 तारीख को है यहाँ पे, जैसे कि नेट की परीक्षा है और शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा, तिथियाँ काफ़ी टकराई हैं, जैसे कि बीपीएससी का शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नियुक्ति परीक्षा जो है 7 से 15 दिसंबर तक चलेगा, इसी के साथ साथ यूजीसी नेट की परीक्षा 6 से 14 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। कई परीक्षार्थी शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा और नेट की तिथि को टकरा रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी परीक्षा तिथि नेट की परीक्षा छोड़ने का मन बना चुके हैं, बिल्कुल बनाना ही चाहिए आपको यहाँ पे। वैसे तो फीस वहाँ भी अब अच्छा खासा लग चुका होगा आप लोगों का, है ना, पर यहाँ भी तो फीस अच्छा खासा लग चुका है, पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, पहले नौकरी मिल सकती है आपको यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से। अभ्यर्थियों ने कहा कि यूजीसी नेट साल में 2 बार आयोजित होता है इसलिए हम लोग वहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं और इस कारण इस परीक्षा में कभी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा समस्या यह है कि जो ईएमआरएस का एग्जाम है ना, ईएमआरएस का एग्जाम है विभिन्न पदों पर आयोजित हो रही है और विभिन्न तिथियों में आयोजित हो रही है, जो कि यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि ईएमआरएस जो एग्जाम ले रही है वहाँ पे शिक्षक और गैर शिक्षक, है ना, में करीब 10,391 पदों की बहाली है। 16 दिसंबर से परीक्षा शुरू हो रही है और ईएमआरएस की परीक्षा 16 से 24 दिसंबर तक होगी। यहाँ पे 16 को प्राचार्य का भी एग्जाम है, ठीक है, पीजीटी वाला भी एग्जाम है 16 को और परीक्षा दोनों पालियों में होगी, क्योंकि 15 तारीख को बीपीएससी का तो एग्जाम खत्म हो जा रहा है, लेकिन 16 को वो कैसे पहुंच पाएंगे अपने दूरस्थ सेंटर्स पे, ये उनके लिए समस्या बन रही है। तो 17 दिसंबर को हॉस्टल वार्डन का भी एक परीक्षा है, यही नहीं जूनियर असिस्टेंट का भी एक परीक्षा है। 15 को बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा देकर दूसरे दिन 16 दिसंबर को ईएमआरएस की परीक्षा में शामिल होने से वंचित होना पड़ेगा अभ्यर्थी। यहाँ पे सौरभ सिंह का कहना है कि बीपीएससी ने यहाँ पर 16 की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया, लेकिन 15 तिथि की भी बदलाव करनी चाहिए थी इनको। सही बात है, यहाँ पे होना चाहिए था। बिहार में ही अगर हम बात करें तो 17 दिसंबर को आपका सिविल कोड का भी एग्जाम है और इसके अलावा बिहार में दरोगा की परीक्षा होने वाली है, जो कि बहुत ही लाखों की तादाद में छात्र इसका फॉर्म भरते हैं और भीड़ तो इकट्ठा होगी, क्योंकि बहुत सारे छात्र जब आना जाना करेंगे अपने सेंटर्स पे, अलग अलग जिलों में बिहार के सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वहाँ पे तो उनको दिक्कतें आने वाली है। मैंने आपको इस वीडियो से पहले भी एक चीज़ बताया था कि बिहार में ही नहीं झारखंड में भी झारखंड एसएससी का एग्जाम होने वाला है जो कि 17 तारीख से टकरा रहा है, तो आयोग को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार जितनी भी वैकेंसी निकाल रही है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है और इस पर जरूर विचार होने चाहिए थे। अब इन सभी चीज़ों को लेकर बिहार सरकार ने एक चीज़ तो सोचा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बार जो है ना इन 10 जिलों में सेंटर नहीं दिए गए हैं बीपीएससी के, गया, अरवल, शिवहर, शेखपुरा, भभुआ, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल परीक्षा का सेंटर नहीं है। कारण यही है कि अन्य जो बहालियां होने वाली हैं बिहार की वो इन जगहों पर उनका सेंटर पहले से रिजर्व किया गया है। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के चलने वाली परीक्षा में अलग अलग दिन परीक्षा केंद्र अलग अलग होगी। मध्य विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या सर्वाधिक है और इसके कारण अन्य सभी जिलों में यहाँ पे शिक्षकों की श्रेणी के लिए जहाँ केवल एक दिन में परीक्षा ली जाएगी, वहाँ मध्य विद्यालय 6 से 8 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 दिन परीक्षा ली जा रही है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों की संख्या सर्वाधिक इसमें रखी गई है।
अब यहाँ पे जो एक सवाल उठ रहा था और कि सर बीपीएससी की नियुक्ति में लगातार जो बदलाव हो रहे हैं इसमें अंक पर कैसे मिलेगा नियुक्ति, तो देखिए इसमें हो रहा है टाई ब्रेकर। बीपीएससी का जो ओएमआर सीट आया था उसमें भी ये सारी चीजें बताई गई थी आप लोग, और टाई ब्रेकर के ऊपर भी एक न्यूज अपडेट होकर आया हुआ है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं आप लोग के लिए कि इस बार जो आप लोग को अंक मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने एग्जाम दिया, ये प्रीलिम्स है ना इसका दिया, ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है, मार्क्स आएगा उसके बाद अगर इसमें दो छात्रों का मान लीजिए कि सेम मार्क्स आ गया, 120 नंबर इनका भी आ गया और 120 नंबर इस छात्र का भी आ गया, या कई ऐसे छात्र होंगे जिनका 120 आएगा, ठीक है, तो अब ये हो गया टाई ब्रेकर किसको प्रायोरिटी दिया जाए। तो अब देखा जाएगा यहाँ से लैंग्वेज का पेपर, है ना, लैंग्वेज पेपर देखा जाएगा। लैंग्वेज पेपर में इन सभी अभ्यर्थियों में जिसके 120 आए हैं, जिसका भी लैंग्वेज पेपर में मार्क्स अधिक होगा, जैसे कि अभी 30 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर भी होगा, तो इसके ऊपर भी फोकस रखना जरूरी है, ठीक है, इसके ऊपर भी फोकस रखना जरूरी है कि यहाँ पे कम से कम 22 25 28 ऐसे नंबर आ जाएं तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है, जिसका अधिक नंबर होगा उसको प्रायोरिटी मिल जाएगा। फिर भी मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनका कि यहाँ भी टाई ब्रेकर होगा, मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का 30 में 25 आ गया, है ना, 25 बहुत सारे लोग का आ गया, अब सर वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ भी 120 आ गया, यहाँ भी 25 नंबर आ गया, तब यहाँ पे पुराना वाला ही टाई ब्रेकर फिर लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग छट जाएंगे यहाँ पे ना, भाषा में बहुत सारे लोगों का कम नंबर आ जाएगा तो बहुत सारे लोग छट भी जाएंगे, तो फिर भी अगर ऐसा कुछ स्टूडेंट मिलता है लोग तो वहाँ पे फिर लगेगा उनका एज, जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उसके बाद भी अगर टाई ब्रेकर होता है यहाँ पे तो उसके बाद होगा अल्फाबेटिकली नेम, जैसे कि मान लीजिए आपका ए से नाम है और किसी का ए और बी से नाम है, किसी का ए और सी से नाम है, तो अल्फाबेटिकली आपका नाम चेक किया जाएगा, जिसका पहले अल्फाबेटिकली नेम होगा उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है यहाँ पर, तो इसलिए ये जो है आपको अंक लाने और लेकर मतलब अच्छा अंक लाने पर मजबूर करेगा ये टाई ब्रेकर। तो इसलिए आप लोग का ये नियुक्ति में इस बार बदलाव हुआ है, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से तैयारी अगर नहीं की है तो अभी भी समय है, पढ़िए जितना हो सके। आप हमारे YT एजुकेशन के एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे YT एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, और वहाँ पे मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, छोटे छोटे मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, फुल मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जो है जाके इसकी तैयारी में लग सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक अगले और नए वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।